हेलो दोस्तों, महाकाल के दर्शन के बाद हम लोग निकल पड़े और गाड़ी में बैठते हम सबको भूख लग गई थी, तो कुछ खाना हम घर से लेके आए थे, तो एक बार सब खाना खा रहे हैं। कुछ देर चलने के बाद हम लोग यहाँ पे रुके, तो सबको चाय, मेरे को चाय पीनी थी, जीजो सा ने भी चाय पी, बाकी ने किसी ने कोल्ड ड्रिंक, किसी ने कुछ ना कुछ, सबका नाश्ता पानी हुआ है। आगे हम दोस्तों तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं देवास, और यहाँ पे चामुंडा माता का मंदिर है ऊपर भी पहाड़ी पे, ये रोपवे से जाना होता है, ये देखो ट्रॉली जा रही है, इससे जाना है, तो हम लोग भी इसका टिकट लेते हैं। कब नंबर आएगा हमारा हमें नहीं पता अभी। तो फ्रेंड, दर्शन करने के लिए हम लोग रोपवे से जाएंगे, क्योंकि सीढ़ियों का टाइम है वो ज़्यादा लग जाता है, और टाइम भी रात के 7:30 हो रहे थे, फिर वापस हमें घर भी जाना था, तो फिर इसलिए सोचा सीढ़ियों से नहीं जाते हैं, रोपवे से जाते हैं। थोड़ा डर तो लगा था, पर फिर भी सोचा कि बहुत टाइम लग जाएगा इसलिए। और यहाँ पर नीचे ये शॉप वगैरह थी, ऊपर दुकानें वगैरह नहीं है, अगर आपको प्रसाद लेना है तो नीचे से लेके जा रहे हैं। और अब हम लोग वेट कर रहे हैं रोपवे का, कि इसमें मतलब यह है कि 3 आ रही है, 3 जा रही है, पर मुझे मतलब इतना वो देख के, मैं तो पहले सफ़र इसमें मतलब बैठी हुई हूँ, सफ़र क्या, सॉरी, जब हरिद्वार में मनसा देवी के जाते हैं ना ऊपर मंदिर में, तब इसी में बैठ के जाते हैं वहाँ पे, वो तो जबकि खुला भी होता है, उसमें हवा भी लगती रहती है, वो मतलब वो भी अच्छा था, पर यहाँ पे मतलब वो था ना, चिकू और सोरू साथ में थे तो थोड़ा ऐसा लग रहा था। और मतलब पता है कैसे इंसान है हम लोग, कि मतलब बैठने से पहले इतनी नेगेटिव बातें ना वो पहले आ जाती है, अगर ये रस्सी टूट जाएगी तो क्या होएगा, मतलब हम सब मतलब एक दूसरे को बता नहीं रहे, पर मन में यह रहता है कि यार ये कुछ तार पर तो चल रही है, अगर तार टूट गया तो बीच में लाइट चली गई तो ऐसे सवाल काफ़ी सारे उठ रहे थे, पर कुछ दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। और यहाँ तक आके दर्शन ना करें वो भी तो अच्छी बात नहीं है, और हम लोगों को नहीं पता था कि वहाँ पे ऐसे दर्शन होते हैं, हमें वहाँ जाके ही पता चला, क्योंकि पिंकी दीदी बोले वो खुद भी यहीं रहते हैं, तो ये देवास पहली बार आए हैं माता रानी के, वही होता है ना, जब माता रानी का हुक्म होता है तभी माता रानी बुलाते हैं, तो ये यहाँ ऐसे रूम सा बना होता है, यहाँ पे आके रुक जाती है और यहाँ यहीं पे सबका बैठना होता है। मेरे को बहुत बढ़िया फीलिंग आ रही है, ये मुझे डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा। आपको डर क्यों लग रहा है? मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है यार, पूरा शहर नीचे है और हम लोग इस ट्रॉली में बैठ के ऊपर जा रहे हैं। खड़े हो पाते, खड़े नहीं हो सकते, इसमें 4 लोग ही आ सकते हैं, हम लोग आए हैं इसमें 4 लोग ही आ सकते हैं, तो मैं, सोरू, चिक्कू और आदि आए हैं, और पिंकी दीदी जिजोसा और सोरू नमो वो पीछे वाले में आ रहे हैं, इसमें 3-4 ऐसे जा रही है, 3-4 आ रही है, आने जाने के रास्ते अलग, 3 जा रही है, 3 आ रही है, 3 आ रही है, 3 जा रही है, ऐसे तार से बंधे हुए हैं, तार के सहारे पे ही चलती है, रोप वे पर है, तो रिस्की से मामला, पर सीढ़ियों से पता नहीं कितना टाइम लगता है जाने आने में, तो हम लोग इसी से जा रहे हैं। नीचे का व्यू देखिए आप, तो कैसा लग रहा है तुझे? कैसा लग रहा है तुझे? डर नहीं लग रहा तुझे? बिल्कुल भी नहीं। ये ना यहाँ पे मैंने देखी थी, ये एकदम धीरे हो गई ना, पता नहीं क्यों धीरे हुई थी। धीरे हो गई, अब उतरना है। है अभी तो आगे है, काफी आगे है, काफी आगे नहीं, उतरना है बस, धीरे हो गई इसका। नहीं नहीं, मुझे दिख रहा है ना, अभी तो काफी आगे बढ़ा है, ये मैं नीचे खड़ी थी तब भी देखा था, इस जगह पे आके धीरे चलती है शायद वो। अच्छा, ये यहाँ से खुली पड़ी है ना, मैं कह रही इसमें ऐसी है क्या, गर्मी लगेगी, ऐसे कांच होता होगा कुछ, या तो कांच टूट गया, पता नहीं, होता ही नहीं होगा, क्या पता, ऐसे ही इसे थोड़ी हवा पास हो रही है, वरना तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती। और आदि को कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है, पहली बार है, मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। देवास, देवास गांव है, ये शहर है देवास, तो फ्रेंड्स मंदिर में जाने के लिए थोड़ी सी लंबी सी लाइन सी बनी होती है, पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी, वही भी सरादों की वजह से नहीं था, पर फिर भी हम लोग आरती के टाइम पहुँचे, वो बहुत अच्छा रहा था। तो
फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं ऊपर मंदिर में और दर्शन हम लोग कर रहे हैं। प्रसाद वगैरह लाए थे जो पंडित जी को दिए और माला भी लाए थे जो माता रानी को चढ़ाने पर, इन लोगों ने माता रानी को वो माला चढ़ाई नहीं, पता नहीं क्यों, उसके तोड़ के फूल लिए और फूलों को वो जब आरती हो रही होएगी तब आरती में काम लेंगे, इसलिए उन्होंने माला तोड़ी। मैंने भी पिंकी दीदी से पूछा यार हम तो माला पहनाने के लिए लाए, पर उन्होंने बोला ये फूलों को यूज करेंगे इसलिए। पर हम लोग जब पहुँचे थे तब आरती का टाइम था तो बहुत अच्छा रहा और इतनी ज़बरदस्त आरती हुई ना, मतलब ऐसा मन कर रहा था वहीं रहे, देखते रहे। इतने वो मतलब नगाड़े बजा रहे, झिंझा बजा रहे, बहुत ज़ोर ज़ोर से बजता है, मतलब आरती भी बहुत गजब वाली होती है। ऊपर इतना अच्छा मौसम था, इतना क्योंकि काफ़ी ऊपर चढ़ाई थी और मतलब इतना ठंडा लग रहा था, चारों तरफ से पूरा सीन भी दिख रहा था, तो बहुत अच्छा लगा। आप व्लॉग में बने रहना, आपको आरती के दर्शन करवाती हूँ। तो मेरे को पहले ये पता था कि ये कौन सी माता का मंदिर बोला था मैंने, चामुंडा माता का मंदिर है, पर ये जब मैंने ऊपर जाके देखा तो इस पर लिखा हुआ है तुलजा माता मंदिर, तो मैंने ये तुलजा माता नाम कभी सुना भी नहीं था। हो सकता है कभी मतलब सुना होगा पर मुझे याद नहीं होगा। तो यहाँ पे एक बड़ी माता छोटी माता दो है, तो नीचे है वो चामुंडा माता है और जो ऊपर ये है अभी आरती हो रही है तुलजा माता। तो फ्रेंड्स हमारे दर्शन अच्छे से हो गए हैं और आरती भी हमने अच्छे से देख ली और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा व्लॉग बनाया जो बहुत ही सुंदर व्लॉग बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतना प्यारा लग रहा था, इतनी लाइटिंग की वजह से बहुत अच्छा दिख रहा था सारा और हवा भी अच्छी चल रही थी, ठंडी ठंडी, मतलब यहाँ पे ना ऐसा लग रहा कि वापस अब घर ना जाए, थोड़ी देर बैठ जाएँ, मतलब थोड़ी देर और रेस्ट कर लेते यहीं पर। फिर लेट भी हो रहा था क्योंकि वापस इंदौर भी जाना था, यहाँ से इंदौर जाने में हमें घंटा डेढ़ घंटा लग गया था आराम से। और फिर रास्ते में मेरी तो वही तबीयत ख़राब हो गई थी, आते टाइम तो मेरे को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सही रही थी मैं, और जब वापस गई तब मेरे को वॉमिट की प्रॉब्लम हो गई थी और इतना सर में दर्द हुआ जिसकी कोई हद नहीं है। और घर आने के बाद में खाना बनाने की हालत किसी की भी नहीं थी, तो जीजोसा ने खाना ऑर्डर किया था और जीजोसा तो इतने दिन भर थके हुए थे, फिर भी उनको ऑफिस में कुछ काम आ गया था, तो रात को वो 11 बजे हमें घर पे छोड़ के सीधा ऑफिस गए और हम लोग बस अभी खाना खाएंगे और कुछ पिंकी दीदी ने बर्तन वर्तन साफ किए हैं, कुछ करने हैं, तो बस अब कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स पहले तो पिंकी दीदी ने सोचा था कि कोई खिचड़ी वगैरह नमकीन चावल बना देती हूँ, पर जीजोसा ने मना कर दिया कि खाना बाहर से लेके आ जाता हूँ, तो फिर खाना बाहर से आ गया। बस अब सब खाना खाएंगे और इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू। क्या आप लोग इन माता रानी के बारे में पहले जानते थे तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने तो फर्स्ट बार ही यहाँ की जगह का नाम भी फर्स्ट बार ही सुना था।